मुंबई में लूट की साजिश। काले गैंग के लुटेरे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अभी तो हक से बोल सकता है शुभारी पहली आया हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि दिवाली में एक बहुत बड़ा हादसा होने से हम लोग बच गए। 21 तारीख को रात में हमें एक इंफॉर्मेशन मिली कि सर आज कुछ तो तुम्हारा एटीएम का या तो कुछ जबरदस्त लफड़ा होने वाला है, तो हमारे डिटेक्शन की टीम ने ESR अरेंज करा और टीम और भी हमने दो टीम स्क्वाड बना के राजेंद्र नगर में फुल फील्डिंग लगाई। लगभग 2:30 से 3 बजे के दरमियान एक रिक्शा आई, हमारे लोग बाजू में खड़े थे दो दो करके, और वो रिक्शा से उतरे और बराबर ATM के ओर चल रहे थे। तो थोड़ा अंदाज लिया हुआ और चोर के अलावा हम और किसी को तो कुछ तकलीफ ना दे रहे, तो बराबर ATM के पास जा रहे थे तो हमारे टीम ने उनको पकड़ा। जैसा एक यूनिफॉर्म का आदमी सामने आया तो वो भागने लगे, तो दो जन को हमने पकड़ा। एक नामचीन नाम है, आपने पहले भी सुना रहेगा, ये चवान और काले, ये फेमस नाम है। वो बहुत तंग करके ऐसे ही आते हैं चुपके से, और जब उनको पकड़ा तो उन्होंने बोला था सर हम दिवाली में फटाखे उड़ाने वाले थे लेकिन आपने तो हमें रोक दिया। से ये इस हिसाब से हमें एक बहुत बड़े हादसे से हम खुद बच गए और जनता की सेवा कर सके। मुंबई की कस्तूरबा मार्ग पुलिस ने काले गैंग के दो शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जो दिवाली की छुट्टी में बैंक ऑफ बड़ौदा का ATM लूटने की प्लानिंग कर रहे थे। पकड़े गए अपराधियों के पास से लूटपाट के हथियार जब्त किए गए हैं। यह गैंग ऐसे घरों को निशाना बनाते हैं जो दिवाली के दिनों में बंद पड़े हो। पकड़े गए दो शख्स काले गैंग के बताए जा रहे हैं, जिन पर मुंबई के अलग अलग पुलिस स्टेशनों में लूटपाट के दर्जनों मामले दर्ज हैं। जो पकड़े हुए चवन गैंग है और काले गैंग है, ये इन्होंने मुंबई में कुछ किए हैं, उनका रिकॉर्ड मिला नहीं है अभी तक, लेकिन जरूर किए हैं। अखलेश और बाहर भी इन्होंने ऐसे प्रकार के हाथ से चोरी किए हैं। चिकुआड़ी में उनके बहुत सारे रिलेटिव रहते हैं और अखलेश शहर के है, वही शहर के हैं, वो एक जगह पर रहते हैं, मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते, जब भी कुछ करने का वो झाड़ी मारते और अपना गेम बजा रहते हैं। उनका यमुना ही है, वो आते हैं, उनके कुछ लोग यहाँ रहते हैं, वो बिल्कुल सीधा साधा धंधा करते हैं, हॉकर जैसा काम करते हैं, और वो ये धंधा बिजनेस करते करते बस हेर के रखते हैं कहाँ कहाँ क्या है। उनका टीम है, वो अक्सर बाहर रहता है और जिस दिन उनका फिक्स प्रोग्राम है उसी दिन मुंबई में आके वो अपना गेम बजा। उन्हें ऐसा पर्सनली किसी को नहीं, वो ATM सेंटर और जहाँ उनको एक जगह पे ज़्यादा माल मिले ऐसे टारगेट करते हैं, ज्वेलर्स वाले को टारगेट करते हैं, ATM को टारगेट करते हैं। पहले में तो उन्होंने बट्टेपाड़ा रोड का ही नाम बोला, क्योंकि एक टारगेट ज़्यादा जगह पे घूमते हैं, वो एक टारगेट बजा देते और निकल जाते हैं। जो जो उनको सामान लगता है सब उनके पास मिला है, जो कटर है, प्लास्टिक का एक स्क्रू ड्राइवर है, उनका दो तीन स्क्रू ड्राइवर के टाइप होता है, उनका एक मंकी टाइप, उनका एक फेस मास्क पहनते हुए, और उनका स्पेशलिटी वो हाथ को या इसको तेल लगाते, आपके हाथ में आए तो वो चले जाते हैं, मतलब मिलते नहीं है, आप उसको ग्रिप से पकड़ नहीं सकते। दरअसल 22 अक्टूबर को बोरोलीपुर के कस्तूरा पुलिस स्टेशन को यह सूचना मिली थी कि कुछ लोग लूटपाट के इरादे से बोरोली की हद में आने वाले हैं। कस्तूरबा पुलिस ने मौके पर जाल बिछाया, लेकिन पूरी रात के इंतजार के बाद जब कोई नहीं आया तो पुलिस लौटने लगी। तभी रास्ते में पुलिस को 5 लोग एक साथ बैंक ऑफ बड़ौदा के ATM के पास दिखाई दिए। टोटल 5 आरोपी है, इसमें से 2 पकड़े गए और अंधेरा ज्यादा था तो बाकी 3 जन भाग गए। पुलिस के PI नितिन तड़ाके और डिटेक्शन टीम के API ओम तोतावार की टीम ने उन लोगों से पूछताछ करने की कोशिश की तो कुछ लोग मौके पर से भागने लगे। पुलिस को शक हो गया कि यह लोग कहीं लूटपाट के इरादे से आए थे। जब इनके पास से जांच पड़ताल की गई तो लूटपाट के कई हथियार जब्त किए गए। जांच में पता चला कि यह गैंग बैंक ऑफ बड़ौदा का ATM लूटने की तैयारी में थे, लेकिन समय रहते इनकी गिरफ्तारी हो गई। टोटल 5 आरोपी है, उसमें से 2 पकड़े गए और अंधेरा ज्यादा था तो
बाकी तीन जन भाग गए सर। मैं वहाँ एक्चुअली सीसीटीवी की कमी थी और एटीएम को उसमें हमने होने नहीं दिया अंदर, क्योंकि वो सायरन बजता है, फिर लोगों की नींद खराब होती है, इसलिए हमने उसको जाने नहीं दिया। सर उनको हमने राजेंद्र नगर दत्तपाड़ा रोड से उनको उठाया है। 399 मतलब वो दरोड़ा का तैयारी कर रहे थे, वही धारा है। वो रिक्शा वाले को मालूम ही नहीं था, उनको बोला, उनको रिक्शा वाले को बोला कि हमें दत्तपाड़ा रोड छोड़ दो, तो हमारे कुछ रिलेटिव है, और रिक्शा वाले को कोई उसमें संबंध नहीं था, उसने रिक्शा छोड़ दी थी और वो पैदल जा रहे थे। दरअसल ये लोग 5 की संख्या में आए थे, इनका टारगेट उन घरों का था जो घर दिवाली की छुट्टियों में बंद पड़े हैं, लेकिन जब वहाँ काम नहीं हुआ तो बैंक एटीएम को टारगेट बनाकर पहुँच गए। इनके ऊपर मुंबई और मुंबई के बाहर दर्जनों मामले दर्ज हैं। मुंबई से इस्माइल शेख की रिपोर्ट, इंडियन फास्ट ट्रैक।